तो फाइनली यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर रियलमी 6 प्रो यहाँ पर मोबाइल है जिसमें अपडेट आ चुका है। और अपडेट आप कैसे कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, अपनी जो सेटिंग है उसमें चले जाना है। सेटिंग में जैसे जाओगे तो आपको सिंपली ज़रा सा नीचे आने, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास अभी यहाँ पर जो आधा यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर, और मैं जब भी यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो अपडेट वो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये अपडेट ओनली वाईफाई से कनेक्ट करके ही डाउनलोड हो सकेगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और इसमें क्लिक करने के बाद इसमें क्या चेंजिंग आता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो पर। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो डाउनलोड वर्जन था वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होने के बाद अब आपको क्या है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ ताकि जो मुझे इंस्टॉल का जो बटन है वो यहाँ पर मिल सके। तो देख सकते हो यहाँ पर अपडेट नाउ का मेरे यहाँ पर जो लोगो था वो यहाँ पर आ चुका है। और मैं यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो अपडेट है वो यहाँ पर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के लिए आपका जो मोबाइल है वो एक बार यहाँ पर स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑन होने के बाद इसमें क्या अपडेट होगा और क्या चेंजिंग होगा वो मैं आपको शायद इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, हमारा यहाँ पर अपडेटिंग यहाँ पर प्लीज वेटिंग का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर स्विच ऑन होने तक आपको यहाँ पर वेट करना होगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें क्या चेंजिंग आया है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, फाइनली हमारा जो अपडेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और अपडेट इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ वो कैसे चेक कर सकते हो, तो इसके लिए आपको वापस अपनी सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फीचर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर देख सकते हो, अगर आपका यहाँ पर क्लिक हो जाता है तो यहाँ पर आप समझ लेना कि आपका जो वर्जन है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है तो ये समझ लेना कि जो आपका वर्जन था यहाँ पर जो रियलमी 6 प्रो का वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को अपडेट वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।